राजू नमकीन। राजू राजू बेटा, राजू बेटा, आपने नमकीन का बिजनेस शुरू कर लिया और हमें बताया नहीं, और सिर्फ अपने नाम से क्यों खोली भाई, हमारे नाम से भी खोलनी चाहिए थी। और अमेरिकन ड्रीम नमकीन। हाँ इमेजिन, अमेरिकन नमकीन कोई नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि नमकीन तो इंडियन होता है पागल। अमेरिकन फ्लेवर की नमकीन देंगे हम, क्या कहते हो, नया कुछ बनाए? सॉरी हाँ एक्सक्यूज मी। तो क्या कहते हो, चल रही है, चल रही है। शिल्पा ने खाया, अचार खाया, सबको कंप्लेंट कर देता हूँ। किसी को क्या पता मैंने खाया, शिल्पा की प्लेट का देखो बच्चों को अचार। शिल्पा ने, मैं भी सोच रही थी आपको पता कैसे चला, क्योंकि मैं छुपते छुपते खाया था, आपको कैसे पता चला था, मुझे लगा अरे खांसी ठीक नहीं हुई है, अचार खाएंगे। ये लीजिए, टेक ओवर कर लीजिए बाप। What's up beautiful people? क्वारंटाइन चल रहा है अभी भी हमारा, पागल हो गए हम लोग। पागल हो गए हम लोग। आई थिंक कोविड मेरा बुरी चीज़ ये नहीं है कि आपको बुखार होता है, आपको खांसी होती है, सोर थ्रोट होता है, या फिर सिर दर्द होता है, या फिर यू नो जो भी सारे वायरस के सिम्टम्स हैं वो सब होता है, वो बुराई नहीं है कोविड में। कोविड में बुराई है कि आपको घर में बैठना होता है, किसी से नहीं मिल सकते, कहीं नहीं कुछ नहीं कर सकते, मैं बस बाहर लेके जाता हूँ बड़ी को, सूसु पड़ी करा के वापस अंदर, दैट्स इट। पिछले 10 दिन से हम यही किया है, 10 दिन हो गए आज में, 10-11 दिन शायद, और यही हो गया, और तो बोर हो गए हम लोग। आई थिंक दैट्स अ बैड पार्ट, कोविड की सबसे ज्यादा बैड पार्ट ये है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप घर में बैठो, टीवी देखो, खाओ पियो, मोटे हो जाओ, और वर्कआउट भी नहीं कर सकते क्योंकि हिम्मत नहीं है, बोर से हो गए हम लोग। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या दिखाऊं मैं, क्योंकि घर में बैठे हैं हम लोग, तो सोच रहा हूँ इस बोरिंग व्लॉग में आपको मैं अपना नया प्रिंटर दिखाता हूँ। टाटा गाइस, प्रिंटर का स्वागत है हमारे घर में आज, और आपको प्रिंटर दिखाता हूँ, क्योंकि आपको याद ही होगा वो जो पिछला प्रिंटर था मेरा, वो क्या प्रिंट कर रहा था, एक ब्लैक पेपर। तो अभी दिखा देता हूँ, मेरा नया प्रिंटर आया, तो बेसिकली डिलीवरी करवाओ, घर पर बैठ के सामान मंगवाओ, वही देखो उसी के साथ रहो, और ये है कोविड लाइफ, दिस इज़ आर कोविड लाइफ। तो ये है मेरा नया प्रिंटर, ऑफिस जेट प्रो 9018 HP का लिया है मैंने फिर से इस बारी, क्योंकि मुझे HP का इंस्टेंट इंक वाली जो सर्विस है बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको नहीं पता, इंस्टेंट इंक बहुत अच्छी सर्विस है यहाँ US में, तो इनफैक्ट आप सिर्फ $1 मंथ में 15 pages तक प्रिंट कर सकते हो। अगर पेजेस बचे रह जाएंगे तो वो रोल ओवर हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा फिर पेजेस प्रिंट करने हैं तो महंगा ले लो, और इंक फ्री, ब्लैक पेज हो, कलर पेज हो, जो मर्जी पेज हो, दैट सेम कॉस्ट, 15 pages $1 मंथ। तो अब मैं इतने पेजेस प्रिंट तो करता हूँ नहीं, तो मुझे तो अच्छी लगती है सर्विस। तू अभी खेलियो तू बॉल के साथ है, मैं यहाँ व्लॉग बना रहे हैं हम लोग, तू आगे बॉल लेके चू चू करता हुआ, ये बड़ी की ना बहुत गंदी आदत है। जब हम लोग TV देखेंगे ना तभी, जब मैं ऑफिस की कॉल होगी ना तभी चू चू वाले टॉय लेके आता है। तू बहुत शॉर्ट है डॉगी, लेके किसने दी है, लेके नहीं लेने चाहिए, लेके तो दो यार बेचारे को खेल ले, बट ये बहुत तेज है, इसको है कि अभी खेलूंगा मैं, व्लॉग बन रहा है अभी खेलो। बेचारा बड़ी भी ना वॉक पे नहीं जा पा रहा, लंबी वॉक्स में हमारी क्वारंटाइन चल रही है ना बेचारे की, तो ये भी जा ही नहीं पा रहा लंबी वॉक्स में, बाहर जाता है अंदर आ जाता है। तो ये मेरा पुराना प्रिंटर जो कि बेचारा खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, HP NV फोटो 7858, ये प्रिंटर था मेरा, बेकार हो गया, इसको हटाएंगे, अब नया लगाते हैं यहाँ पर। सब जगह बड़ी ने बाल कर रखे हैं, प्रिंटर के अंदर भी बाल हो रखे हैं, बताओ ये देखो, ये देखो ये बाल बड़े हैं प्रिंटर के अंदर, ये बैठते ना वो ये बैठो बाहर देखते रहते हैं यहाँ से बैठ के। चल जाती है इस प्रिंटर में, थोड़ी सी खास बात है कि ये ऑफिसियल ऑल इन वन प्रिंटर है, स्कैनर, कॉपी, फैक्स, प्रिंट सब तो है ही है, और मुझे ना इसका वो, इसमें वो भी है ऑटो फीड, जो डॉक्यूमेंट फीडर, जो डॉक्यूमेंट फीडर होता है ना ऊपर, जो ऊपर रखते हैं डॉक्यूमेंट, मुझे इस प्रिंटर में ये खास बात इसकी ये लगी कि यूजली आप जो फीडर में डॉक्यूमेंट डालते हो वो एक ही साइड से स्कैन करता है, ये दोनों साइड से स्कैन कर लेता है उसको, लाइक आप एक बंडल डालो दोनों साइड से स्कैन करके दे देगा, वरना आप पहले डालो उसको पलटो। उन्होंने आपको पैसे दिए हैं क्या ये बात करने के लिए? This is not a sponsored video. अच्छा। But HP अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं। यार उससे याद है ऋतिक रोशन ने कभी रीच आउट नहीं किया, ऋतिक रोशन ने देखी नहीं हमारी वीडियो कभी।
इतना ऊपर रखती क्यों होगा? इसमें चढ़ के स्टूल ले लो ना, रखो तो है पीछे। क्या बना रही हो ब्रेकफास्ट में आज? ये बहुत बार खा चुके हैं और कहेंगे फिर भी बन रहा है। आलू का सबको पता है, मैं आलू बहुत पसंद है मुझे, तो आलू बन रहा है आज। मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे है आज। 12 बज रहे मॉर्निंग खत्म हो गई। मॉर्निंग नहीं है एनीमोर, इट्स नॉट मॉर्निंग एनीमोर। 12:10 हो गए, तो इट्स ऑलमोस्ट गुड आफ्टरनून। तो गुड आफ्टरनून गाइस, 12:10 में हम लोग ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस ऑन वीकेंड, सो ये वीकेंड वाला व्लॉग है आज हमारा। तो गाइस और बताइए क्या चल रहा है, क्या क्या शोज देख रहे हैं आप लोग? हम लोग ने अभी नेटफ्लिक्स पे कोबरा काई कंप्लीट किया है। मैं बहुत बड़ा कराटे किड का फ़ैन हूँ, मियागी का बचपन से देख रहा हूँ। जब मैं छोटा था तब से कराटे किड 1, 2, 3 सारे पार्ट देख लिए। फिर कोबरा काई सीरीज था, लगी थी शिल्पा को दिखाना शुरू कर दिया। अब कोबरा काई की नई सीरीज आई है, वो भी ख़त्म कर दिया। अब अगले सीज़न का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि एक और सीज़न आने वाला है कोबरा काई का। कल हमने क्या शुरू किया है नया नेटफ्लिक्स पे? नहीं, कल तो मूवी देख रहे थे एक, ओ द ग्रेट, नहीं क्या था, द लॉन्गेस्ट यार्ड। खाली आया था उसमें। शिल्पा देख के हल्की, खाली मूवी में आए हुए हैं? मैंने कहा हाँ। तो वो सर बहुत फनी था कि वो जो बोल रहा था सिर्फ खाली था, सिर्फ खाली का सब टाइटल डाले हुए थे उसके। I mean, उसकी इंग्लिश समझ तो आई रही थी सबको। आई नो लाइक खाली को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, बट उसकी इंग्लिश के सब टाइटल डाले हुए थे, फिर भी समझ आ रहे थे बिना सब टाइटल के। गाइस क्या आपको पता मैं खाली से मिल चुका हूँ मैं? क्या नहीं, मजाक नहीं है, नॉट जोकिंग। मैं खली से एक्चुअली मिल चुका हूँ मैं तो। आई वाज लाइक, हम छोटे थे काफ़ी, एक्चुअली स्कूल में था मैं, ये कॉलेज में था। तो हम लोग वैष्णो देवी माता की यात्रा पे गए थे पूरी बस करके, काफ़ी सारे लोग थे हम फैमिली से। और बीच में ना जैसे ढाबे आते हैं तो बीच में खाने पीने के लिए रुके, तो हम लोग वहाँ पर रुके हुए थे। और पता नहीं हम लोग जब सब लोग खा पी रहे थे, हम लोग आसपास के ढाबे में गए, तो ढाबे होते बड़े सारे होते लाइन से, तो हम लोग वहाँ पे गए, देखा बहुत बड़ा सा, बहुत हाइट लंबी है ना बंदे की, मैं बहुत बड़ा सा आदमी बैठा हुआ है वहाँ पे। तो हम लोग वैसे ही बड़े वो थे, हैरान किया ये कौन है यार बंदा। उस टाइम पे ना खाली WWE में नहीं आता था, नहीं रेसलिंग करता था शायद, पर इंडिया में करता था या प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो WWE में नहीं आता था। तो हम लोगों ने उसका फोटो खिंचवाई, मैं फोटो रखी है मेरे पास, पर बहुत पुरानी बात है। मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, पर आप पहचान नहीं पाओगे क्योंकि मैं बहुत पुरानी फोटो है, और उस टाइम पे कैमरेज भी अच्छे नहीं होते थे, तो बहुत ही घटिया क्वालिटी है फोटो की। पर आप देखना मैं कहाँ हूँ, खाली कहाँ है, इतना ऊंचा है भाई वो बंदा। और उसने ना हमें अपनी रेसलिंग की सीरीज वगैरह भी दी थी, तो ही वॉज नॉट दैट फेमस उस टाइम पे, तभी शायद वो अपने आप को फेमस करने के लिए सीरीज वगैरह, हाँ सीरीज देता था। उसके बाद जब वो बंदा एक्चुअल में रेसलर बना, तब हमें कहा यार इससे तो मिले हुए हैं। तो मैं दिखाता हूँ, अरे हम उससे भी मिले ना, प्रीति जिंटा से। आई मीन मिले क्या, प्रीति जिंटा मिली हमें एक दिन एलए में, इधर एलए में हम होली खेलने गए थे, होली एट द बीच, तो वहाँ पर आई हुई थी वो, अपने न्यू शादी हुई थी उसकी यहाँ पर, तो अपने हस्बैंड के साथ मिल रही थी वो किसी से, दूर दूर बैठी थी, हमें दिख रहा था वो बैठी है, पता था कि प्रीति जिंटा बैठी है, बट लोग जैसे उनके पास जाने के लिए प्राइवेसी, ऑब्वियसली है उसकी प्राइवेसी है, वो होली खेलने आई है, उन्होंने मना कर दिया कि भाई ना अभी मिल नहीं रहे, वी रिस्पेक्ट हर प्राइवेसी, तो नहीं मिलेंगे उससे, पर हाँ मिली। अरे शिल्पा इससे याद आया, तुम्हें तो पता ही है तापसी मेरी क्लासमेट थी। गाइस आपको पता है जो तापसी पन्नू जो एक्ट्रेस नहीं है, हीरोइन नहीं बोलना चाहिए, दे आर एक्ट्रेस, दे आर एक्टर्स, दे आर एंटरटेनर्स, नॉट हीरो हीरोइन। तो मेरी क्लासमेट है वो, कोई अच्छी अच्छी नहीं लगती वो, मेरे कॉलेज से अब हम लोग सेम ही क्लास में थे, कंप्यूटर साइंस। आई डोंट नो आप लोग कितना जानते हैं, हम गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी GTBIT इसको बोलते हैं, उसका नाम था, दिल्ली से हूँ मैं, तो GTBIT IP यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, वहाँ से मैं पढ़ाई करी है। तापसी पन्नू मेरी क्लासमेट थी, मेरे साथ हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे काफ़ी, मैं ज़्यादा ब्रैग नहीं करूँगा, पढ़ाई में भी अच्छी थी वो बंदी, और अच्छे हमेशा अच्छे मार्क्स आए उसके, पर कुछ ज़्यादा जमी नहीं मेरी उससे। तो इसलिए शिल्पा मुझे छेड़ रही है कि मुझे पसंद है वो। जब भी तापसी की मूवीज आती है तो रजत कुछ ज़्यादा शौक से नहीं देखते। मुझे नहीं पसंद, मुझे अच्छी नहीं लगती वो बंदी, बट एनीवे मैं बस ये बताना चाहता था, वो मेरी क्लासमेट है, तो मैं इसी बात, क्योंकि इस बारे में बात कर रहे हैं कि मैं हम किस से मिला हूँ, अचानक से याद आ गया तापसी भी मेरी क्लासमेट थी। और मैं फोटो शेयर करता हूँ, अगर मेरे पास कॉलेज की एक आध फोटो पड़ी हो ना, मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में, कहीं आप ये सोचो कि मैं फेक रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। ये भी सोच सकते, फेंकूंगा क्यों, ऐसे भी क्या है, एक एंटरटेनर ही तो है वो।
और किससे मिला हूँ मैं, गुलशन ग्रोवर से मिला हुआ हूँ। एल ए में आया था एक दिन, हम लोग इंडियन इंडियन देसी पार्टी में गए थे हम लोग, और वहाँ पे आया था वो, तो गुलशन ग्रोवर से मिला हूँ मैं। उसकी फ़ोटो भी शायद रखी है मेरे पास, वो भी शेयर करता हूँ अगर मिली मुझे तो। और एक और बंदा है यार, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी एक्टर है, साइड एक्टर है वो, बेसिकली बड़ा एक्टर नहीं है, बट मूवीज़ में आता है वो, थ्री इडियट्स में आ चुका है। हमने सेम सी शर्ट पहनी थी, मुझे इतना भी याद है, वो भी एल ए में मिला था मुझे लॉस एंजल्स में। कौन सी मूवी का? थ्री इडियट्स में भी है और भी एक आध मूवीज में आ चुका है, और काफी मूवीज में आ चुका है, साइड एक्टर है वो। तो उसकी फोटो भी होनी चाहिए मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस वीडियो में तो हमने काफी सारी वही शेयर कर दी कि हम किस किस यू नो एक्टर से मिले हम लोग। एक और एक्ट्रेस है वो शिल्पा शेट्टी, नहीं शिल्पा मलिक। ये कौन एक्टर है तो मुझे याद नहीं आ रहा। आप उससे भी तो मिले हो? ये लगता है बिल्कुल ही लाइक डाउनग्रेड एक्टर है लग रहा मुझे वो। ये साइड एक्टर से ये आई थिंक वो है ड्रेसिंग मेकअप वेकअप करती होगी शायद एक्ट्रेस की। चंकी चाट मसाले के साथ हम लोग खाएंगे आज ब्रेड रोल्स। पूरा घर भी क्लीन करना, डीपली क्लीन करना, क्योंकि थोड़ा अब ठीक फील कर रहे हैं ना। या तो वायरस वगैरह वाला सैनिटाइज कर देना पूरा घर आज। हां स्प्रे मार देना सब धुलेंगी और सारा वैक्यूम होगा ना। ऑलराइट मॉप वगैरह करके साथ। अबे कितना 11 12 दिन तो हो ही गए अभी ऑलरेडी। अब लास्ट खांसी लगी, हां बस दैट्स इट, ज्यादा तो नहीं है। गाइज एक और इम्पॉर्टेंट फेमस पर्सन तो आपको बताने भूल गया मैं, बडी। द फेमस पर्सन आई हैव मेट इन माई लाइफ इज ऑल्सो बडी, बडी गुप्ता। ये बैठा बडी, बडी बुरा मान गया, बडी कह रहा तुमने मेरा नाम तो लिया ही नहीं, मैं जा रहा हूँ वहाँ से। तो वो वहाँ से इधर आके बैठ गया सोफे पे। ये बड़ी पीछे जा भाई, मेरे जिम के कपड़े है वो, उठ जा। गाइज मैंने ना जिम के थोड़े से टी शर्ट लिए रीबॉक की ना, वॉलमार्ट में मिल गई थी क्लियरेंस पे, तो मीडियम और स्मॉल दोनों साइज मंगवा लिए, पता नहीं कौन सा आएगा, क्योंकि यू नो आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय। ये मीडियम मंगवाए और ये स्मॉल, सेम कलर के सब मंगवा लिए मैंने, ब्लैक ब्लू रेड मीडियम। अरे हाँ ये मीडियम ठीक है, स्मॉल CHP मतलब क्या पता नहीं, पहन के देखता हूँ क्योंकि ये भी मुझे नहीं पता कौन सा फिट आएगा। मीडियम अलग कर दो, स्मॉल अलग कर दो, जो भी आएगा। नहीं ब्लैक है, ब्लू है, पता नहीं कौन कौन सा है। दुकान लगा रही, गाइस दुकान लग रही है, आपको चाहिए तो आके ले लो, एवरीथिंग ऑन सेल, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, रास्ते का माल सस्ते में, रास्ते का माल सस्ते में। अभी डिस्काउंट के बाद ही जितना प्रॉफिट में बचेगा ना ये मेरे है भाई। तो एक्चुअली जिम के कपड़े ना टी शर्टें फट रही थी, पुरानी पुरानी थोड़ी टाइट सी हो रही थी, क्योंकि गेन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं गेन कर रहा हूँ। ओके लेट्स क्लियर द फैक्ट, मैं गेन कर रहा हूँ अभी आजकल ना, तो समझ नहीं आ रहा स्मॉल लू मीडियम, इसलिए मैंने ना स्मॉल मीडियम दोनों मंगवा लिए, जो भी फिट आगे रख लूँगा बाकी लौटा देंगे। चलो गाइस आज का ब्लॉग बंद करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को, बाय।